जो एनडीए के अन्य अलाई हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट अलाई हैं, वो लोग इस बारे में कमेंट करें कि जहाँ अब मुझे वही लोग बताएंगे इस बात को। और जहाँ तक अलायंस में सीट की बात है, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सीट में टाइम पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। एनडीए एक हो करके 400 सीट जीतेगा, तो जो लोग हैं वो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, देश की राजधानी से आप देख रहे हैं भारत लाइव। एनडीए में लगातार सवाल उठ रहा था कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता नाराज हैं, आखिर सीटों का बंटवारा कब होगा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार विदेशी सरजमी से दिल्ली लौटे, उनके साथ संजय झा थे, जिन्होंने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। साफ तौर पर कहा, वक्त आने पर हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी जवाब दिया और कहा कि ये नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है और इस पर भी जल्द ही फैसला होगा। लेकिन चिराग पासवान के सवालों जब चिराग पासवान पर सवाल पूछा गया तो कहा कि इसका जवाब तो भाजपा ही देगी। तो साफ तौर पर संजय झा ने कई सवालों के जवाब दिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है विदेश गए थे और कई तरह की चर्चाएं थी। अलग अलग सवालों के जवाब दिए संजय झा ने, क्या कुछ कहा है पहले आप सुनिए, फिर बात करते हैं। का बंटवारा कब तक हो जाएगा, चूंकि आप जिस दिन लंदन जा रहे थे आप भी साथ में, आपने अमित शाह से मुलाकात की थी, गृह मंत्री से? नहीं, मेरा तो कटसी का मुलाकात था, जब से सरकार बनी बिहार में उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो उस वजह से मुलाकात। चिराग पासवान को लेकर के आप लोग का क्या, मुझे आइडिया नहीं है, अभी हम लोग तो आज ही आए हैं, ये क्या बात है। और कोई बात है तो जो एनडीए के अन्य अलाई हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट अलाई हैं, वो लोग इस बारे में कमेंट करेंगे लगातार आप लोग। और जहाँ अब मुझे वही लोग बताएंगे इस बात को। और जहाँ तक अलायंस में सीट की बात है, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सीट में टाइम पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, कहीं कोई समस्या एनडीए में सीट को लेकर के नहीं है। 16 सीटिंग आपके हैं, तो सीटिंग माना जाएगा। बताया आपको कि कोई समस्या नहीं रहेगी, एनडीए एक हो करके 400 सीट जीतेगा और जो पार्टी के जो लोग हैं वो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं। संजय सर, एक सवाल ये है कि लगातार चिराग पासवान आप लोग का खिलाफ, मुझे अभी आइडिया नहीं, सवाल है सर, मंत्रिमंडल विस्तार अभी मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, अभी आए हैं, तो मेरे ख्याल से जल्द ही आपको जो भी डिसीजन होगा उसमें डिसीजन। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आप लोगों की मुलाकात होगी सीट बंटवारे को लेकर के? भाई ये तो बातचीत चलती रहती है इस प्रोसेस में, हमेशा कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 16 सीट के फिर मैं बताया कि सीट के मामले में क्या वो अब दूसरे साइड सीट बट गया क्या, ऐसा तो नहीं है। अभी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ जी। तो जहां तक बिहार में सीट की बात है, एनडीए में कहीं कोई समस्या सीट के लेकर के नहीं है। समय पर आपको सूचना हम लोग दे देंगे कि सीट का बंटवारा कैसे कैसे और कौन कौन सीट कौन पार्टी लड़ रही है। एनडीए एक हो करके जो परफॉर्मेंस 2019 में दिखाया है जी, 40 में 39, उसको 40 कैसे करना है उस पर काम कर रहा है। अदला बदली हो सकती है कुछ सीटों की? हो सकती है। साफ तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर संजय झा ने कहा कि महागठबंधन या जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर भी सीटों का फैसला नहीं हो पाया है, हर सारी सीटों पर का फैसला नहीं आया है। तो एनडीए में जल्द ही सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। और ये भी कहा कि सीटों की अदला बदली भी हो सकती है, एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि जो पिछली जितने सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था उनके बारे में कहा है कि वो सीटें जो है अदला बदली भी की जा सकती हैं, और कहा कि आपस में मिल बैठकर जो है वो हर समस्या का समाधान जो है वो ढूंढ लिया जाएगा। तो बिहार की सियासत जो है काफ़ी गर्म हो गई है। लगातार ही राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि जब तक जेडीयू नहीं थी तो तब तक तो ठीक था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में ले आए, मांझी जी को अपने पाले में ले आए, चिराग पासवान को अपने पाले में ले आए, पशुपति पारस भी उनके पाले में। तो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर कैसे सीटों का बंटवारा होगा इसको लेकर कोई भी कुछ ठीक ढंग से कह नहीं पा रहा है। तो अब संजय झा ने साफ तौर पर जवाब दे दिया, नीतीश कुमार आ गए हैं और जल्द ही अब इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू होंगी। और अब हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि कब चुनाव होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अब सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार पहुँच गए हैं, तो जल्द ही इस पर जो है वो चर्चा होगी और जनता को, मीडिया को सब कुछ बताया जाएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
8167 00। धन्यवाद।